हे गाइस, दिस इज रैंको गेमिंग एंड यहां पे ब्लैक स्वान का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। सो चेकआउट करते हैं गाइस, लेट्स गो। ओ काफी कूल एनिमेशन है यार, हॉन्टेड लग रहा है पूरा। ब्लैक स्वान की एंट्री यहां पे। ओ क्या ही एनिमेशन है यार। ओ भाई यार, वॉइस काफी कूल है यार ब्लैक स्वान का। ऑसम मैन। ओ People believe they're facing the present and the यार future. क्या ही वॉइस और एनिमेशन यार, Although कूल है often यार, we're सच में unable to ऑसम है यार। avert the past. Memories वो are पोर्ट्रेट different. ब्लैक स्वान का, There's more than one way to वाओ ये destiny. सबसे ऑसम था भाई। The road ahead is visible. ये अरकाना कार्ड्स है ना, Open your इसी eyes. का ये एनिमेशन है। ओके ये इसका स्किल्स है एंड यहां पे इसका अल्ट गाइस। भाई ये अल्ट सबसे जबरदस्त है यार, कुछ भी बोलो, क्या But fear not. ही Unless एनिमेशन दिया you है अल्ट embrace पे। them, you won't forget. वाओ तो गाइस यहां पे अपने पास न्यू लाइट कॉन्स आ चुका है। सो एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या लाइट कॉन्स है एंड क्या स्पेसिफिकेशंस है एंड क्या सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा अभी पुराने कैरेक्टर्स के लिए एंड प्लस न्यू कैरेक्टर्स के लिए भी। तो चेकआउट करते पहला, व्हाट इज रियल, ये एक अबंडेंस लाइट कॉन है, यहाँ पे देख सकते हो एंड इसमें स्टैक्स है, इंक्रीज द वैरी ऑफ ब्रेक इफेक्ट बाई 24%, वेरियर बेसिक अटैक रिस्टोर्स एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ मैक्स एचपी प्लस 800 फॉर डैम सेल्स। भाई ये आई थिंक ये गुड चॉइस लाइट कोन नहीं बोल सकते एक्चुअली, बट डिसेंट है। अगर किसी के पास अबंडेंस लाइट कोन नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं, बट गाइज यहाँ पे ब्रिक इफेक्ट 24% है। सो पता नहीं अभी न्यू कैरेक्टर्स पे बेस हो सकता है कि ब्रिक इफेक्ट के बेस पे हीलिंग प्रोवाइड करे, तो कुछ बोल नहीं सकते वो चीज़ों पे, है ना। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हो सकता है अपने न्यू अबंडेंस कैरेक्टर के लिए। तो अभी जब तक वो कैरेक्टर मिलता नहीं है तब तक हम ये चीज़ को चेकआउट नहीं कर सकते, बट हो सकता है कि ब्रेक इफेक्ट के बेस पे हीलिंग प्रोवाइड करे, जैसे रूइन में का है ब्रेक इफेक्ट के बेस पे कुछ डैमेज प्रोवाइड बूस्ट होता है, तो वैसा वर्क हो सकता है ये। ओके तो चलते हैं अभी नेक्स्ट लाइट कॉन पे, यहाँ पे ओके ये हार्मनी लाइट कॉन है एंड आफ्टर द वेरियर यूजेस बेसिक अटैक स्किल और अल्टीमेट ऑल अलाइज गेन चाइल्डिशनेस विच इंक्रीज द डैमेज डील बाई द कॉरेस्पॉन्डिंग एबिलिटी दे यूज बाई 12%। चाइल्डनेस कैन ओनली टेक इफेक्ट विद द मोस्ट रिसेंट एबिलिटी यूज बाई द वेरियर एंड कैन नॉट बी स्टक। ये आई थिंक ये डिसेंट होगा, बट इससे बेटर ऑप्शन अपने पास ऑलरेडी काफी सारे लाइट कॉन्स है, सो इसको स्किप कर सकते हो यार। अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको यूज करो, वरना बट अभी देखते हैं ये कैसा यूज होता है पहली बार तो, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता ये कुछ इतना यूजफुल होगा, बट देखते हैं अभी न्यू कैरेक्टर्स शायद आएंगे तो उसमें शायद उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके तो लेट्स गो द नेक्स्ट लाइट कॉन, यहाँ पे अभी हंट फाइनल विक्टर। तो यहाँ पे हंट लाइट कॉन एक काफ़ी अच्छा लाइट कॉन है, क्रिट डैमेज एंड अटैक पे बेस है ये पूरा,
तो ये डॉक्टर रेसो के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो सभी लोगों को मिला मिल चुका है एज ए फ्री 5 स्टार गिफ्ट। तो या इसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट 4 स्टार लाइटकॉन हो सकता है F2P प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पे अटैक इंक्रीज हो रहा है, प्लस क्रिट हिट एनिमीज पे जब भी होगा गुड फॉर्च्यून स्टैक हो जाएगा, एंड ये 4 बार स्टैक हो सकता है, एंड क्रिट डैमेज इंक्रीज होगा 8%। सो या इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइटकॉन फॉर डॉक्टर रेसो एंड मे बी अदर कैरेक्टर्स के लिए भी इन फ्यूचर। तो या चलो अभी चलते हैं आगे, एंड या ये डिस्ट्रक्शन लाइटकॉन, सैम वाला लाइटकॉन है यहाँ पे। फ्लेम्स अपार सॉरी, व्हेन एचपी लॉस्ट बाय बैरियर ड्यूरिंग अ सिंगल अटैक एक्सीड 25% ऑफ द मैक्स एचपी, और इफ द एचपी दे कंज्यूम इज ग्रेटर देन 25% ऑफ द मैक्स एचपी देन इमीडिएटली हील्स देम फॉर 15% ऑफ द मैक्स एचपी। मतलब ये एचपी हीलिंग भी होगा और प्लस उसके बेस पे ये इंक्रीज डैमेज भी बूस्ट हो जाएगा 2 राउंड के 2 टर्न्स के लिए। तो दिस इफेक्ट कैन ओनली बी ट्रिगर वंस एवरी 3 टर्न्स। तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट 4 स्टार लाइटकॉन हो सकता है ब्लेड के लिए। ओके एंड या काफ़ी अच्छा लाइटकॉन है। तो अगर जिसके पास ब्लेड है भाई, ये लाइटकॉन के लिए सही रहेगा। तो चलो चलते हैं रिजर्वेशन। ऑल राइट, यहाँ पे इंक्रीज द वेरियर इफेक्ट रेसिस बाय 12% फॉर एवरी 100 ऑफ डिफेंस। द वेरियर हैज इंक्रीज द डैमेज डील बाय 0.8% टू द मैक्स इंक्रीज ऑफ 32%। ये तो 32% इजीली अचीवेबल हो जाएगा, क्योंकि हम प्रिजर्वेशन पे डिफेंस स्टैक्स पे फोकस करते हैं। तो या तो यहाँ पे इफेक्ट रेसिस 12% एंड ये मार्च 7 के लिए हो सकता है, एंड प्लस जो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं डिफेंस के प्रिजर्वेशन के, तो शायद उसके लिए भी यूजफुल होगा। बट ये मार्च 7 पे काफ़ी अच्छा वर्क करेगा बिकॉज ऑफ मार्च 7 का अल्टीमेट, जो कि एक बेस डैमेज है प्लस फ्रीज है। तो या इस पर ये वर्क कर सकता है थोड़ा बहुत, बट अपने को चेकआउट करना पड़ेगा ये चीज़ है ना। बट आने वाले प्रिजर्वेशन कैरेक्टर्स के लिए भी ये काम आ सकता है। तो ये लाइटकॉन काफ़ी अच्छा है यार। एंड चलते अभी नेक्स्ट लाइटकॉन की तरफ, एंड यहाँ पे आ रहा है एरोडिक्सन। इंक्रीज द वेरियर अटैक बाय 16% व्हेन द वेरियर यूजेस एन अटैक एन अफेक्ट नो फ्यूर देन 2 अटैक एनिमीज विद अ कॉरस्पॉन्डिंग वीकनेस। द वेरियर क्रिट डैमेज इंक्रीज बाय 20% फॉर 2 टर्न्स। ये भी काफ़ी अच्छा लाइटकॉन है भाई एरोडिक्सन का। अगर किसी के पास 4 स्टार का एरोडिक्सन लाइटकॉन नहीं है एज ए स्टार्टअप प्लेयर्स, तो ये दे सकते हो अपने कैरेक्टर्स पे। हेमिको हो गया, हरता हो गया, सो ऐसे एरोडिक्सन के कैरेक्टर्स के ऊपर ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। क्रिट डैमेज एंड अटैक बूस्ट होता है, तो या वन ऑफ द बेस्ट F2P लाइटकॉन हो सकता है ये। तो चलो एंड यहाँ पे अभी चलते हैं नहिलिटी। ऑल राइट, यहाँ पे नहिलिटी का एक लाइटकॉन है। व्हेन द वेरियर इन्फ्लिक्ट डिबफ ऑन एन एनिमी ट्रिगर स्टैक ऑफ ट्रिक, एवरी स्टैक ऑफ ट्रिक इंक्रीज द वेरियर डैमेज डील बाई 6% फॉर अ मैक्स ऑफ 3 स्टैक्स। दिस इफेक्ट लास्ट फॉर 1 टर्न्स। व्हेन द वेरियर इफेक्ट हिट रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% इंक्रीजेस अटैक बाय 20%। वाओ, ये इफेक्ट हिट रेट के बेस पे अटैक इंक्रीज होगा एंड डैमेज इंक्रीज होगा। इन्फ्लिक्ट डिबफ ऑन एन एनिमी, जब भी एनिमी पे डिबफ अप्लाई होगा तो स्टैक ऑफ ट्रिक का स्टैक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मैक्स 3 बार स्टैक हो सकता है ये, एंड इसके प्लस एक डैमेज भी जाएगा 6% पर स्टैक पे। सो या ये काफ़ी अच्छा लाइटकॉन है नाइलिटी पे। आई थिंक ये ब्लैक स्पॉन पे वर्क कर सकता है काफ़ी अच्छा, अगर इफेक्ट हिट रेट मेंटेन कर पाते हो तो बाकी चीज़ों से, जैसे रेलिक्स एंड सब। तो
ये काफ़ी अच्छा एक लाइट गन हो सकता है। एंड या फिर मैं ये पता है मैं अपने पहला को भी दे सकता हूँ, बिकॉज पहला का ऑलरेडी 80% इफेक्ट हिट रेट है मेरा, तो ये मेरे पहला पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा भाई। तो ये बहुत ही अच्छा है। प्लस पहला दो डिबफ अप्लाई होता है पहला पे, ओके डिफेंस राइड एंड आइस रिडक्शन, सो दो डिबफ अप्लाई भाई, मतलब ये तो ब्रोकन हो सकता है ये लाइट गन। तो ये लाइट गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए F2P प्लेयर के लिए, सो कुछ ज़रूर ले लेना भाई, ठीक है। ओके अब चलते हैं अभी ये वाला लाइट कॉन डिस्ट्रक्शन वाला है जो अभी तक अननोन है, इसका कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता मैं। एंड ये हार्मनी अर्थी एस्केपेडी, तो ये तो सिग्नेचर लाइट कॉन है अपना स्पार्कल का और ये ब्लैक स्पॉन का। तो ओके सो गाइस इतना ही था, एंड अब दो न्यू रेलिक्स आ रहे हैं गाइस, सो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलिक्स ये वाला है वॉच मेकर, बिकॉज इट सेड दैट इनहांस द टीम्स ब्रेक इफेक्ट, ये रोइन मे के लिए काम आएगा, जो हम लोग वेट कर रहे थे कि रोइन मे के लिए नया रेलिक्स सेट आने वाला है। सो ये वाला बहुत अच्छा सेट है रोइन मे के लिए। तो एंड एक और ये वाला आने वाला है फाइनर डाइवर ऑफ डेड वाटर्स, अ सेट डील्स हायर डैमेज टू एनिमीज अफेक्टेड बाय डीबफ। तो इसका एक्चुअली यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ नहीं है, सो बट ये एक्चुअली एक डॉक्टर रेसो के लिए बेस्ट लाइट कॉन हो सकता है, बिकॉज क्रिट रेट क्रिट डैमेज इंक्रीज होता है इस पे, एंड जैसा कि मेरे व्यूअर ने बताया था। तो या ये रेलिक सेट काफ़ी ब्रोकन हो सकता है डॉक्टर रेसो के लिए स्पेशली, एंड काफ़ी सारे DPS कैरेक्टर्स के लिए भी, बट लेट्स सी अभी इसका आगे इन्फो जब आएगा तब हम बता देंगे, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही था, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।